हेलो एवरीवन, मैं सायश्री संधू आपके लिए लेके आई हूँ वो पार्ट 4, जिसमें हम जाएंगे चेरापूंजी। और यहाँ पर अभी हम कार में बैठ रहे हैं क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई है थोड़ी पड़ना। शिलोंग से चेरापूंजी 40 किलोमीटर की दूरी पे है, और जो कि आज हमें कवर भी करनी है। जहाँ पे हम रात में स्टे हुए थे वहाँ से हमने सी ऑफ लिया, और अब हम कंटिन्यू हैं अपने चेरापूंजी के वे पे। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। ऑन द वे चेरापूंजी की ही इतनी बारिश हो रही है, तो चेरापूंजी जब जाएंगे तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा बारिश होगी। आज से 4-5 साल पहले हमने सुना था कि चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश पड़ती है, लेकिन आज देख भी लिया। पर अब तो मासिन राम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश पड़ती है, और जो कि चेरापूंजी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। ट्रैफिक और बारिश के डर से हम लोग बाहर नहीं निकले थे, और अंकल जी और पापा जी बाहर निकले थे अपनी पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए। वहीं पे साइड में हमें कुछ शॉप्स वगैरह दिखी या स्टॉल्स वगैरह जिन्हें हम कह सकते हैं, जहाँ पे चाय वगैरह का सामान और पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पे हमें वेजिटेबल्स भी दिखी और फ्रूट्स भी दिखे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जो कि सेलिंग के लिए रखे हुए हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए झरना बह रहा, और यहाँ पे सीढ़ियाँ थी नीचे जाने के लिए। और जैसा कि अंकल जी और पापा बाहर निकले तो यहाँ पे अंकल जी अपनी पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। और ये कितना ब्यूटीफुल सीन है ना, ऊपर से झरना बह रहा है और नीचे का पानी हमें दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे अब हम अपने वे पे वापस कंटिन्यू हो गए हैं, क्योंकि हमें जाना है चेरापूंजी। और रास्ते में चलते चलते ही हमें एक छोटा सा वाटरफॉल या झरना, हम जिसे कहें, वो दिखा, जहाँ पे हमने अपनी पिक्स वगैरह ली। क्योंकि पिछले जो वाटरफॉल का था वहाँ पे हम नीचे उतरे ही नहीं थे कार से, और इसीलिए हमने इस वाटरफॉल पे अपनी पिक्स ली। ये बहुत ज़्यादा नज़दीकी सीन में दिखा, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन है। वाह, क्या नज़ारा है नेचर का। इतने सुंदर नज़ारे यानी वाटरफॉल पे पिक्चर्स वगैरह लेने के बाद अब हमने सोचा कि हम अपने वे पे कंटिन्यू रहते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा रात हो जाएगी। और हम अपने वे पे कंटिन्यू रहे, और यहाँ पे हमें थोड़े दूर ही जाने के बाद एक पुल मिला जो कि हमें दूसरी तरफ लेके जाएगा। और इसे नीचे से बांध रखा था, और यहाँ पे बिल्कुल बादल नीचे आ गए थे यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं। पे साइड में छोटी छोटी स्टॉल्स लगी हुई है कॉर्न की। आप देख सकते हैं बादल नीचे आए हुए हैं और हम ऊपर हैं। हेलो सर, हेलो, कैसे हो, क्या नाम है आपका? माधु। आपका? गुरविंदर सिंह। और ठीक है? अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं आप? अच्छा, वापस से अपने वे पे कंटिन्यू है। थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, लेकिन
हम अपने वे पे बिल्कुल कंटिन्यू हैं और जैसे आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है चारों तरफ और यहाँ पे हमें छोटे छोटे वाटर के रिसोर्सेज भी मिले जाते समय और हम ऊपर हैं और बादल नीचे रह गए, इसका पहली बार हमने देखा। और यहाँ पे अब हम फिर से रुके हैं क्योंकि यहाँ पे मिक्स लाइट टाइप का दिखा कुछ, जहाँ पे हमने सोचा हमारी पिक्स वगैरह बहुत अच्छी आएंगी इसीलिए हम यहाँ पे रुके। कितना अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ पर रुककर भी हमने अपनी पिक्स वगैरह खींची है। अब हम अपने वे पे कंटिन्यू होते हुए पहुंचे ऑरेंज रूट्स एक रेस्टोरेंट में जो कि प्योर वेजिटेरियन था। यहाँ पे हम अंदर भी गए थे लेकिन यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, बहुत लंबी लाइन थी, इसीलिए हम वहाँ पे नहीं रुके और हम अपने वे पे कंटिन्यू रहे हैं। पहाड़ों में स्कूल एक और रेस्टोरेंट दिखता है और हम उसी की तरफ जाते हुए हैं और उसके साथ ही हमें एक छोटी सी स्टॉल भी दिखती है। अब हम अपने वे पे बिल्कुल कंटिन्यू है। बादलों और पेड़ों का कितना अच्छा व्यू आ रहा है। वाह क्या नजारा है, नेचर भी किसी कलाकार से कम नहीं है। कंटिन्यू है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मौसम थोड़ा साफ हो गया है। पहले तो बादल पूरे आ गए थे, हर जगह पे बादल दिख रहे थे। एक और जगह दिखाई दी जहाँ पे हमने सोचा चलो पिक्स वगैरह खींच लेते हैं। ये मतलब कि चेरापूंजी का व्यू पॉइंट था। ये तो यहाँ पे पूरा ग्रासलैंड है लेकिन इसके दूसरी साइड में चेरापूंजी का व्यू पॉइंट था। ये देखिए ये है चेरापूंजी का व्यू पॉइंट। पूंजी का पूरा मतलब की दूर तक का दिखता है।
लंच के लिए। और ये है हमारे होटल के सामने का व्यू और ये अंदर का व्यू। हमने ऑर्डर करवाई थी वेज थाली। बहुत सारे आइटम्स थे जैसे दही, रसम वगैरह, लड्डू और राइस और मीठी चटनी और दाल सलाद सब्जी सब कुछ था। अब हम रिटर्न के वे में हैं सोनापुर के, और यहाँ पे हमें अपने फूफा जी मिले जिनके साथ हमने पिक्स वगैरह खिंचाई। फूफा जी यहाँ पे जेई हैं बीएसएफ में और उनकी पोस्टिंग शिलोंग में है, इसीलिए हम उनसे मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में जहां हम जाएंगे भूटान। थैंक यू।